तो क्या हाल है दोस्तों, और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ एंड्रॉयड के कस्टमाइजिंग ऐप और कुछ यूजफुल ऐप्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। तो सबसे पहला ऐप है एयर लाइटनिंग कलर्स। तो दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप आपके मोबाइल के बॉर्डर्स जो है वो लाइटनिंग कर सकते हो, लाइटनिंग इफेक्ट आप उनको दे सकते हो। और ये कुछ एनिमेशन टाइप है और आप इन्हें ऐप जो है इन्हें एडिट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप जो है बॉर्डर की जो स्पीड है उनको कम कर सकते हो, एनिमेशन की बॉर्डर की साइज़ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और जो रेडियस है कॉर्नर की वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और आपके मोबाइल के हिसाब से नॉच है, वाटर ड्रॉप नॉच है या फिर होल नॉच है, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आप उन्हें सेट कर सकते हो आपके मोबाइल के हिसाब से। तो दोस्तों, दूसरा ऐप है वॉल रैप नाम का। तो कुछ ये जो ऐप है ये है वॉलपेपर का। तो इसमें दोस्तों बहुत ही बढ़िया वॉलपेपर है, आपको कैटेगरी के हिसाब से वॉलपेपर मिलते हैं, जैसे कि एनिमल, एनिमेशंस, कार्स, इस तरीके से। और अगर आप गेमर हो और आपको गेमिंग के वॉलपेपर अच्छे लगते हो तो यहाँ पे गेमर्स का भी ऑप्शन है, उसमें सभी के सभी गेमिंग के वॉलपेपर हैं। सो ये ऐप बढ़िया है, वॉलपेपर HD होते हैं। तो सेट करने के लिए आपको वॉलपेपर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और क्रॉप एंड अप्लाई पे क्लिक कीजिए। सो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। सो इसको आपको प्रॉपरली सेट कर लेना है। तो तीसरा ऐप है दोस्तों रिमूव बीजी नाम का। ये एक्चुअली एक बैकग्राउंड रिमूविंग टूल है, आपके फ़ोटो में से बैकग्राउंड रिमूव करता है। तो सिंपली आपको ऐप ओपन करने के बाद अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, और जिस इमेज की आपको बैकग्राउंड रिमूव करनी है वो इमेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो सिलेक्ट करने के बाद ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, सो कनेक्टिविटी ऑन कर लीजिए। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद आपको एक फ़ोटो मिलेगी अलग अलग रेजोल्यूशन में, जो कि PNG में कन्वर्ट हो चुकी होगी और उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका होगा। तो चौथा ऐप है दोस्तों वॉल्यूम स्टाइल्स नाम का। दोस्तों, अगर आप आपके डिफॉल्ट वॉल्यूम स्टाइल से बोर हो चुके हो तो ये ऐप आपको अलग अलग तरह की वॉल्यूम स्टाइल आपको ये प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो मनपसंद वॉल्यूम स्टाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो YMI और एप्पल और वेव, इस तरीके की जो वॉल्यूम स्टाइल है आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वेव सिलेक्ट कर लिया है, और जब भी आप वॉल्यूम की प्रेस करते हो तो कुछ इस तरीके से मुझे वेव का इफेक्ट जो है उसमें आ रहा है, और ये बहुत ही अमेजिंग है, कस्टमाइज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पांचवा ऐप दोस्तों निकल के आता है डार्कर। तो अगर आपके मोबाइल में इनबिल्ट जो डार्क मोड है वो अवेलेबल नहीं है तो ये ऐप बस आपके लिए ही है। सो ये ऐप आपको ओपन करनी है और उसका आपको डार्कनेस जो है वो सेट कर लेना है आपके हिसाब से। दोस्तों, नाइट में जो है मोबाइल के ब्राइटनेस से आपके आँखों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सो इस ऐप के इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपके हिसाब से आपके मोबाइल का डार्कनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये थी गाइज कुछ सिंपल से आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।